टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे मैच में 119 रनों से हरा दिया है और इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। भारत ने 36 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज को 36 ओवर में 257 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम मात्र 26 ओवर में ही महज 137 रनों पर ढेर हो गई। भारत के लिए युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। शुभमन गिल ने 98 गेंद में 98 रनों की शानदार पारी खेली। भारत की बड़ी जीत वेस्टइंडीज के ऊपर, आपको जानकारी दे दें 119 रनों से भारत ने वेस्टइंडीज को हराया है। बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। वेस्टइंडीज की टीम 26 ओवर में महज 137 रन पर ही ढेर हो गई और 39 साल के बाद विंडीज को उनके घर में भारत ने हराया। और शुभमन गिल ने नाबाद 98 गेंदों पर 98 रनों की पारी खेली। युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। तो खास करके क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, क्योंकि भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहा है वो बेहद शानदार वेस्टइंडीज में नजर आया। टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया और करीब 39 साल के बाद विंडीज को उनके ही घर में क्लीन स्वीप से हराया है। यह बड़ी उपलब्धि है भारतीय टीम की। शुभमन गिल ने नाबाद 98 गेंदों पर 98 रनों की पारी खेली और युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट झटके। भारत ने 36 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए थे। बारिश की वजह से वेस्टइंडीज को 36 ओवर में 257 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम 26 ओवर में महज 137 रन पर ही ढेर हो गई। भारत के लिए युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। शुभमन गिल ने 98 गेंद में 98 रनों की शानदार पारी खेली। तो इस वक्त देखिए वेस्टइंडीज से अच्छी खबर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, क्लीन स्वीप किया है भारतीय टीम ने वनडे में 3-0 से क्लीन स्वीप किया और वेस्टइंडीज को उसके ही घर में करीब 39 साल के बाद हार का स्वाद चखाया भारतीय टीम ने। शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की, 98 रन बनाकर नाबाद रहे 98 गेंदों पर 98 रन और युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। और साथ ही इसमें अहम जानकारी है कि करीब 39 साल के बाद भारत ने विंडीज टीम को उसके ही घर में क्लीन स्वीप का स्वाद चखाया है, क्योंकि लगातार भारतीय टीम ऐसा करने में नाकामयाब हो रही थी और लंबे अरसे के बाद करीब 39 साल के बाद भारतीय टीम ने विंडीज को उन्हीं के घर में हराया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।